नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन कह लो या फिर अपने मेल शुक्राणु कह लो दोस्तों, कि आप अपने मेल शुक्राणु को कैसे बढ़ाएं, कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करें, और क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, और कैसे आप ये सब चीज़ों को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से आपके शरीर में मोटापा आ सकता है दोस्तों, आपके मसल ग्रोथ में कमी आ सकती है दोस्तों, और साथ ही साथ आपका हेयर फॉल हो सकता है, आपके बियर्ड की ग्रोथ नहीं होगी, आपके सारे जो बॉडी पे हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, और तमाम ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो आपकी समझ से परे होंगी दोस्तों। आपकी सेक्स करने की इच्छा कम हो जाएगी, साथ ही आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एक बाल्टी पानी तक नहीं उठा पाएंगे दोस्तों आप। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरली आप अपने टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल शुक्राणु को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप इन सब चीज़ों को नेचुरली सही कर सकते हैं। फास्ट फूड ने जगह अपने इंडियन मार्केट्स में काफ़ी हद तक ले ली है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खान पान और अच्छी सेहत के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन के लिए लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, जिम वगैरह में अगर आप लोगों को देखें तो कुछ बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजेक्शन लगवाने से बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना ख़त्म कर देती है और बंद कर देती है दोस्तों। तो इंजेक्शन लगवाना सबसे बुरा और सबसे गंदा उपाय माना जाता है दोस्तों, आपके शरीर के लिए और आपके आगे आने वाली जनरेशन के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक मेथड की। आयुर्वेदिक मेथड मतलब आप शिलाजीत या अश्वगंधा ले सकते हैं दोस्तों। मैं प्रेफर करूंगा आप दोनों ही चीज़ें लें। गर्मियों में आपको अश्वगंधा लेना है दोस्तों, और सर्दियों में शिलाजीत। दोनों ही आपको गर्म दूध में सोने से आधा घंटा पहले लेना है दोस्तों, और ये सच में कारगर उपाय है। तमाम वेदों पुराणों में लिखा हुआ है इसके बारे में, और ये सच में काफ़ी फ़ायदा करती है। चरक संहिता में इसका जिक्र है, और बहुत ही सारे राजा महाराजाएं इसे यूज़ किया करते थे दोस्तों। तो ये बहुत नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। दूसरा सबसे बेहतरीन मेथड है दोस्तों हमारे काका सूरज काका। सूरज हमको इतना ज़्यादा विटामिन डी देता है जो कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। शुक्राणुओं की संख्या विटामिन डी से बढ़ती ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनती भी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की कोई दवा दो, तो डॉक्टर हमेशा की तरह आपको विटामिन डी की टैबलेट देगा। तो आप विटामिन डी की टैबलेट खाने से बचें, कम से कम रोज सुबह की 20 से 25 मिनट आप धूप लें। धूप की जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से आपको धूप परेशान नहीं करेगी और विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा उपाय होता है धूप को सही समय पर लेना। मैं आपको एक और टाइम बता देता हूँ जिस टाइम आप धूप को अच्छी तरह से अपने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए ले सकते हैं। वो टाइम है आपका दोस्तों आप 7 बजे से लेके और 9 बजे के बीच कभी भी धूप ले सकते हैं। गर्मियों में ये टाइम घटके 8 हो जाता है, और सर्दियों में ये टाइम 7 से 10 के बीच में रहता है। दोस्तों आजकल की भाग दौड़ से भरी जिंदगी में स्ट्रेस तो बहुत ही कॉमन है दोस्तों। ये स्ट्रेस ना केवल आपके मेल शुक्राणु के लिए घातक होता है, बल्कि इन सब की वजह से आपके शुक्राणु में कमी आने लगती है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी रेट भी गिर जाती है। तो तीसरा उपाय हम मैं बताऊंगा नेचुरली कि आप स्ट्रेस को कम करके एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज में अगर आप जिम जाते हैं तो सबसे बेहतर है आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आप डेड लिफ्ट मार सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। आप सप्ताह में 3 या 4 दिन ज़रूर जिम जाएं, और लेग डे 1 दिन ज़रूर रखें। लेग डे और वेट ट्रेनिंग आपके टेस्टोस्टेरोन को ना केवल बूस्ट करेगी बल्कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बढ़ाने के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों 45 मिनट से लेके 1 घंटे का वर्कआउट आपको सप्ताह में 4 दिन ज़रूर करना होगा। इसी कड़ी में बात करते हैं क्या क्या आपको खाना चाहिए दोस्तों। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि क्या खाएं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम नहीं खाएं दोस्तों। तो खाएं क्या क्या, आप दूध से बनी हुई चीज़ ले सकते हैं, पनीर, घी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, काला चना खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, और सारी दाल। अगर आप ये सब रेगुलरली खा रहे हैं दोस्तों तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ों की, जैसे आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी डाइट में ये रोज़ाना इंक्लूड करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस कड़ी में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या खाना है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं खाना है आपको।
तो क्या नहीं खाना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। आप शुगर मत खाइए, शुगर से बनी हुई चीज़ें नहीं खाइए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है शुगर हमारे टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करती है। जैसे जैसे बॉडी में शुगर की इंटेक ज़्यादा होती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है घटता है दोस्तों। शुगर के साथ आपको प्लास्टिक पैक्ड फूड नहीं खाने हैं दोस्तों, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। पैकेट बंद जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सब जो पैकेट जो बंद होते हैं, जो एयर टाइट होते हैं कंटेनर में जो चीज़ें आती हैं, वो आपको कम से कम खानी है दोस्तों, अवॉइड करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिंक ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में पर डे, तो आपको कहीं ना कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज होता दिखाई देगा और आपकी स्ट्रेंथ जो है वापस आना चालू हो जाएगी दोस्त। अगर आप ज़्यादा शराब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बियर और ये सारी चीज़ें दिखने में और पीने में बड़ी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दुष्परिणाम इतने भी बुरे होते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ आप सभी के लिए, ज्ञान की बातें मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।